दो घमंडी अंग्रेजन भाभियों की एक काली गरीब ननद। संध्या अपने दो बेटों और एक बेटी के साथ रहती थी। संध्या के दोनों बेटों का रंग तो गोरा चिट्टा था, लेकिन बेटी सौम्या का रंग काला था, जिसकी वजह से बचपन से ही सौम्या को बहुत बातें सुननी पड़ती थी। भैया, मुझे ये वाली चॉकलेट दे दो। हाँ मैडम, आप बताइए आपको क्या देना है। भाई मेरी भी बात सुनो ना। अरे चुप भी हो जा काली माई, दे रहा हूँ। दुकानदार का इतना कटु व्यवहार देख नन्ही सौम्या को रोना आ गया। क्या है, अब ये मगरमच्छ के आंसू क्यों दिखा रही है? आप बुरे हो। हाँ हाँ मैं बुरा हूँ, चल अब निकल यहाँ से। आई बड़ी सुबह सुबह न जाने कौन कौन से भिखारी मुंह उठाकर चले आते हैं। उस दुकानदार ने अपनी सारी थकान गुस्से के रूप में सौम्या पर उतार दी थी। बेचारी सौम्या को रंग काला होने की वजह से ज्यादातर सभी जगह से बस नफरत ही मिलती थी। ऐसे ही सिलसिला चलते चलते सालों बीत गए और अब संध्या के तीनों ही बच्चे बड़े हो चुके थे। दोनों बेटों को तो उसने विदेश पढ़ने के लिए भेज दिया था और बेटी सौम्या अपनी माँ के साथ ही घर के कामकाज में हाथ बटाती थी। एक दिन संध्या की पड़ोसन उसके घर आई। ये लो बहन, मुंह मीठा करो, मेरी राशि का रिश्ता पक्का हो गया है। बड़ी ही अच्छी बात है, बधाई हो। मैं भी अपनी सौम्या के लिए किसी अच्छे से रिश्ते की तलाश में हूँ। अच्छा संध्या बहन, अब वैसे एक बात बोलूं, एक दफा को बेटे काले भी हों तो फिक्र नहीं रहती है, लेकिन तुम्हारी तो बेटी का रंग काला है। तुम्हारे दोनों बेटों की तो शादी यूं ही हो जाएगी, लेकिन बेटी को कैसे विदा करोगी? मेरी बेटी के बारे में तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है बहन। उस ऊपर वाले ने सभी के लिए किसी न किसी को बनाया ही है, मेरी सौम्या के लिए भी कोई तो बना ही होगा। तुम्हारी सोच तो अच्छी है, लेकिन इतनी काली लड़की से भला कौन लड़का शादी करना चाहेगा? संध्या की पड़ोसन उसे चिढ़ाकर और चिंता में डालकर चली गई। संध्या को भी अपनी बेटी की फिक्र रहती थी, क्योंकि अगर कोई भी रिश्ता सौम्या के लिए आता था तो वो उसके रंग की वजह से टूट जाता था। एक तरफ ये चल रहा था तो वहीं दूसरी तरफ दीपक और तरुण को विदेश की ही दो लड़कियों लाना और बेटी से प्यार हो गया था। I really like you. Will you marry me? Oh, yes, of course. दोनों भाइयों ने सही समय पर अपनी फीलिंग्स उन दोनों विदेशी लड़कियों को बता दी और उन्होंने विदेश में ही एक दूसरे से शादी कर ली। शादी के बाद दोनों भाई अपनी पत्नियों को अपने घर लेकर पहुंचे। ना जाने कौन है, अरे बाबा आ रही हूँ। संध्या ने जाकर दरवाजा खोला तो वो अपने बेटों को देखकर चौंक गई। बेटा तुम अचानक, सब ठीक तो है ना? और ये लड़कियाँ कौन हैं? माँ के पूछने पर दोनों बेटों ने पूरी कहानी सुना दी। संध्या एक सही दिमाग की औरत थी, वो अपने बेटों पर गुस्सा नहीं हुई और उसने खुशी खुशी अपनी विदेशी बहुओं को अपना लिया। बेटा उम्मीद है तुमने अपने लिए एक सही हम सफर का चुनाव किया होगा। आ जाओ मेरी बहुओं, अंदर आओ। सौम्या ला पूजा की थाली लेकर आ। सौम्या अपनी भाभियों के लिए पूजा की थाली लेकर आई और उनका गृह प्रवेश करवाया। सौम्या तो अपनी भाभियों को पसंद करती थी, लेकिन दोनों ही अंग्रेजनों को अपनी काली ननद से बहुत ज्यादा नफरत थी। शादी के बाद कुछ दिनों तक तो सभी कुछ सही ही चलता रहा, लेकिन एक दिन सौम्या come here। जी भाभी। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि यहाँ कितना ज्यादा डस्ट है? भाभी तो मैं क्या करूँ? करना क्या है, जल्दी से घर को साफ करो। और हाँ, मैंने कपड़े धो दिए हैं तो तुम उन्हें ऊपर भी डाल आना। भाभी आपको अचानक ही क्या हुआ? जुबान मत चला, हाथ को चला काली खलूटी। उनकी आवाजें सुनकर संध्या भी वहां आ गई। यहाँ क्या हो रहा है बहू, ये क्या तरीका है अपनी ननद से बात करने का? हेक, ये आई हैं हमारा दिमाग खराब करने। आप क्या कहीं कि प्रेसिडेंट हो जो हम आपको पूरी बात बताएं? अपनी बहुओं का ऐसा बर्ताव देखकर संध्या चुप हो गई। अरे जब घर में नौकरानी जैसी ननद है तो हम घर के काम करके अपनी ब्यूटी को कम क्यों करें? अब से ये खाली ही घर के काम किया करेगी। एक हफ्ता ससुराल की जिम्मेदारियां संभाल कर मेरी स्किन भी खराब होने लगी है। ऐसे बोलकर दोनों अंग्रेजन बहुएं अपने अपने कमरों में चली गई। संध्या और सौम्या को ही घर का सारा काम करना पड़ता था। दोनों अंग्रेजन बहुएं अपनी पतियों के सामने तो अच्छी और जिम्मेदार बनने का नाटक करती थी और उनके जाते ही वो अपनी ननद को परेशान करने का एक मौका नहीं छोड़ती थी।
ऐसे ही सिलसिला जारी था। एक दिन तंग आकर संध्या ने अपने बेटों को सब कुछ बता दिया। देखा बेटा, तुम्हारी पत्नियों ने तुम्हारी बहन की जिंदगी मुश्किल कर दी है। वो सारे काम उसी से करवाती है। मेरी बच्ची को एक नौकरानी बनाकर रख दिया है। तुम अपनी बीवियों को समझाना, वरना मैं सौम्या के साथ यहाँ से कहीं दूर चली जाऊंगी। माँ, आप हमारी बीवियों के बारे में ऐसा कैसे बोल सकती हो? अगर आपको वो पसंद नहीं है तो साफ साफ कहिए, लेकिन हम इस बात पर यकीन नहीं करेंगे कि हमारी पत्नियां ऐसा करती हैं, क्योंकि हम तो जब भी घर आते हैं वो दोनों कामों में लगी हुई दिखाई देती हैं। तो फिर आप ऐसा कैसे कह सकती हो? हाँ माँ, हमारी पत्नियां वो इंडियन वाली भाभियां नहीं है जो वो ऐसा करेंगी। दोनों भाइयों ने अपनी माँ की बात पर विश्वास नहीं किया। ऐसे ही दिन बीतते गए और एक दिन सौम्या के लिए एक बड़े घराने से एक अच्छे लड़के का रिश्ता आया। वैसे सौम्या के लिए जो रिश्ते आते थे वो अक्सर टूट जाते थे, लेकिन इस बार हमें आपकी बेटी की अंदरूनी सुंदरता पसंद आ गई है, हमारी तरफ से हाँ है। संध्या अपनी बेटी का रिश्ता पक्का करके बहुत खुश हो गई, लेकिन ये सारी बातें सुन रही दोनों अंग्रेजन भाभियां जल रही थी। इस काले को कोई पसंद कर ले ऐसा नहीं हो सकता, और ये शादी करके चली जाए ये हम होने नहीं देंगे। चल बेटी काम पर लग जा। एक तरफ ये चल रहा था तो वहीं दूसरी तरफ सौम्या बेटा जा जल्दी से अपनी ससुराल वालों के लिए चाय लेकर आ। जी माँ। सौम्या चाय लेने चली गई। रसोई में उसने देखा कि उसकी दोनों अंग्रेजन भाभियां सौम्या के ससुराल वालों की ड्रिंक में कुछ मिला रही थी। भाभी आप क्या? कुछ नहीं, हम तो बस ड्रिंक में ब्लैक सॉल्ट मिला रहे थे। ये अच्छा लगता है ना, चलो लाना ड्रिंक लेकर चलते हैं। दोनों वहां से झूठ बोल कर चली गई। उन दोनों ने सभी को जमाल गोटा मिला हुआ ड्रिंक पिला दिया और सभी के पेट में गुड़गुड़ होने लग गई। मेरा पेट। क्या हुआ आपको? आइए मेरे साथ आइए। सारे मेहमानों का पेट खराब हो गया और वो रिश्ता वहीं खत्म करके अपने घर लौट गए। बेचारी सौम्या के सपने आंखों में ही चूर चूर हो गए। इतना सब हो जाने पर सौम्या रोते हुए अपने भाइयों से बोली, ये आपने अच्छा नहीं किया भाभी। भैया आप यकीन नहीं करोगे, जानते हो आपकी बीवियों की वजह से ही आज मेरा रिश्ता टूटा है। इन्होंने मेरी ससुराल वालों की ड्रिंक में जमाल गोटा मिलाया था और मेरे पास सबूत भी है। सौम्या ने जमाल गोटे का पैकेट अपने भाइयों को दिखाते हुए ये बात बोली। अपनी बहन के आंसू देखकर दोनों भाइयों ने चिल्लाकर अपनी पत्नियों से पूछा, क्या ये सच है बेटी? वो दोनों बहुत गुस्से में थे। उनका गुस्सा देखकर दोनों अंग्रेजनों ने सब कुछ सच सच बता दिया। हाँ हमने ऐसा किया क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि ये शादी होकर दूसरे घर जाए। हम इसे यहीं पर नौकरानी बनाकर रखना चाहते थे, लेकिन अब अपनी ही हरकत पर हम बहुत शर्मिंदा हैं। प्लीज हमें माफ कर दीजिए। अपनी ननद के लिए पक्का हम खुद कोई अच्छा सा लड़का ढूंढेंगे। दोनों अंग्रेजनों ने किसी तरह अपने परिवार को मना ही लिया। फिर क्या था, उन दोनों को अपनी गलती का एहसास हो चुका था तो उन्होंने अपनी ननद के लिए प्रायश्चित के तौर पर एक अच्छा लड़का ढूंढा और फिर सौम्या की उससे शादी करवा दी और फिर सभी खुशी खुशी रहने लगे।